आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, आज का विषय है सबत स्कूल। सबत स्कूल का लक्ष्य आत्माओं को बचाने का होना चाहिए। हो सकता है कि क्रिया प्रबंध निर्दोष हो, सुविधाएं ऐसी हों जैसे इच्छा की जा सके, परंतु यदि बालक और युवक मसीह के पास नहीं लाए जाते हैं तो वह स्कूल असफल है, क्योंकि जब तक आत्माएं मसीह की ओर नहीं खींचती तो उन पर दिखावटी धर्म के प्रभावाधीन कोई असर नहीं होता। शिक्षक को चाहिए कि जब वह उनके हृदय पर जो सहायक चाहते हैं खटखटाता है तो उनके संग सहयोग दे। यदि विद्यार्थी पवित्र आत्मा की अनुपमता को सुने और उत्तर देवे और हृदय के द्वार को खोले ताकि यीशु अंदर आए, तो वह उनकी समझ को खोलेगा ताकि वे ईश्वरीय बातों को समझ सके। शिक्षक का क्रिया साधारण है, परंतु यदि वह यीशु की आत्मा में किया जाए तो परमेश्वर की आत्मा द्वारा उसमें गहरे भावों तथा कार्य क्षमता की वृद्धि होगी। हे माता पिताओं, अपने बालकों के संग सबत स्कूल का पाठ सीखने की इच्छा से प्रतिदिन थोड़ा समय नियत कीजिए। यदि आवश्यकता हो तो सामाजिक भेंट मुलाकातों को छोड़ दें और उस घंटे का जो पवित्र इतिहास के कीमती पाठों को सीखने का है कुर्बान ना करें। इस अध्ययन से माँ बाप तथा बालकों का लाभ होगा। अति महत्व रखने वाले वाक्य जो उस पाठ से संबंधित है मुखाग्र कर लेना चाहिए, आवश्यक बात के रूप में नहीं किंतु एक सुअवसर समझ कर। यद्यपि आदि में स्मरण शक्ति दूषित हो, परंतु अभ्यास से उसको बल प्राप्त होगा। ऐसा कि कुछ समय पश्चात आपको सत्य के कीमती शब्दों को इकट्ठा करने में आनंद आएगा और यह आदत धार्मिक वृद्धि में मूल्यवान सहायता सिद्ध होगी। अपने परिवारों में सशस्त्रावलोकन का नियम बांधिए। सांसारिक प्रकृति की कोई भी वस्तु हो उसको त्याग दीजिए। अनावश्यक सिलाई और खाने की मेज के लिए अनावश्यक पदार्थों को छोड़ दीजिए, परंतु निश्चय कर लीजिए कि जीवन की रोटी से आत्मा संतुष्ट हो रही है। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में एक या आधा घंटा जो खुशी के साथ व्यतीत किया जाता है, उसके सुपरिणाम का अंदाजा लगाना असंभव है। बाइबल ही स्वयं अपनी व्याख्या करे, अर्थात किसी दिए गए विषय पर भिन्न भिन्न समयों पर अथवा विभिन्न हालात के अधीन जो कुछ विवरण हुआ है उसको एकत्र करे। अपने घर में हो रहे क्लास को मुलाकातियों के आगमन पर तोड़ ना डालिए। यदि वे शस्त्राभ्यास के समय उपस्थित होवें तो उनको भी भाग लेने का निमंत्रण दीजिए। यह प्रत्यक्ष किया जाए कि आप दुनिया के लाभ व आनंद की अपेक्षा परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करना अधिक मूल्यवान समझते हैं। कुछ सबत स्कूल में मुझे खेत के बात कहना पड़ता है। पाठ बजाय सिखलाने के पढ़ा जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब समय व्यर्थ रूप में और लापरवाही से व्यतीत किया जाता है और शस्त्राभ्यास में लगाया जाए। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा सबत स्कूल के पाठों को सरकारी स्कूलों के पाठों की अपेक्षा सरसरी तौर पर पढ़ने का कोई जकरा नहीं है। उनको तो और भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे विषयों का वर्णन करते हैं जो अपरिमित महत्व रखते हैं। इस विषय में लापरवाही परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली है। जो सबत स्कूल का पाठ पढ़ाते हैं उनका हृदय परमेश्वर के सत्य से उत्साहित तथा बलवंत होना चाहिए। उनको न केवल सुनने वाला किंतु वचन पर चलने वाला भी होना चाहिए। उसी प्रकार उनका मसीह में पोषण होना चाहिए जिस प्रकार दखलता में दलिया पोषण होती है। आज्ञा अनुभव की ओस उन पर पड़नी चाहिए ताकि उनके हृदय कीमती पौधों की तरह हों जिनकी कलियां खिलती फैलती और परमेश्वर की पटिका के फूलों की तरह प्रतिज्ञाता मोहक गंध देती है। शिक्षकों को परमेश्वर के सुवचन का परिश्रमी विद्यार्थी बनना चाहिए और इस तथ्य को प्रकट करना चाहिए कि वे मसीह के स्कूल में दैनिक पाठ सीख रहे हैं और दूसरों को उस प्रकाश को पहुंचाने के योग्य हैं जिससे उन्होंने महान गुरु तथा जगत के प्रकाश से प्राप्त किया था। समय समय पर अवसरों के चुनाव के समय निश्चय कर लीजिए कि पक्षपात को प्रधानता न दी जाए।
परंतु जिम्मेदार जगह पर उनको रखो जो परमेश्वर को प्यार करते हैं और उससे डरते हैं, परमेश्वर से परामर्श लेते हैं। परमेश्वर आप सबों का आशीष दे। आमीन।